Namaste and welcome to my kitchen where anyone can cook. Mangoes are everywhere these days. So this is the perfect time to make mango kulfi. Kulfi ice cream ka Indian version hai, jo thoda sa creamy aur thoda sa dense ya thicker hota hai. Bahut hi basic ingredient use hote hai isme, milk, sugar aur thode se dry fruit. Aur kyunki hum mango kulfi bana rahe hain to iske liye hum mango bhi lenge. To chaliye banate hain hum mango kulfi. Let's get started. मिल्क 2.5 कप, मैंगो प्यूरी 2 कप, मलाई 2 टेबलस्पून, चॉप ड्राई फ्रूट आलमंड्स और पिस्ताशियो 2 टेबलस्पून, सेफ्रॉन यानी कि केसर फ्यू स्ट्रैंड्स, कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची 1/2 टीस्पून एंड शुगर 1/2 कप. सबसे पहले पैन में डालेंगे मिल्क और साथ ही उसमें डाल देंगे केसर. स्टर करेंगे, कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर भी डालकर मिक्स करेंगे. बॉयल आने तक स्टर करेंगे और बॉयल आने के बाद सिम पर करके 20 से 25 मिनट तक बॉयल होने देंगे, जब तक मिल्क इवेपोरेट हो जाए या मिल्क कम हो जाए और थिक हो जाए. जब मिल्क गाढ़ा हो जाएगा तब इसमें डालेंगे शुगर और अच्छे से मिक्स करेंगे. शुगर मैं यूज कर रही हूँ 1/2 कप. शुगर आप अपने मैंगो के टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. अगर आपने मैंगो ज्यादा मीठे वाले लिए हैं तो आप शुगर थोड़ी सी कम डाल सकते हैं, या अगर आपके मैंगो थोड़े से खट्टे मीठे हैं तो आप शुगर और ज्यादा भी डाल सकते हैं. अब इसमें डालेंगे चॉप्ड आलमंड्स और पिस्ताशियो और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मलाई. मिक्स करेंगे अच्छे से, फ्लेम ऑफ करेंगे और गाढ़े हुए हुए दूध को ठंडा करने रख देंगे. अब जब दूध ठंडा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे मैंगो पल्प और मैंगो प्यूरी. अच्छे से मिक्स करेंगे और मोल्ड में पोर करने के लिए किसी दूसरे बाउल में ट्रांसफर करेंगे और अब पोर करेंगे हमारे मोल्ड्स में. मैं यहाँ मटकी यूज कर रही हूँ, आप कोई भी मोल्ड यूज कर सकते हैं. गार्निश करेंगे थोड़े से केसर और चॉप ड्राई फ्रूट से. कवर करेंगे फॉइल से और इन्हें फ्रीजर में रखेंगे अबाउट 6 to 8 आवर्स. कुल्फी ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द समर हीट. आप भी इसे बनाइए और इसकी पिक्स मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टैग करके जरूर भेजिए. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.